सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपके लिए एक मजेदार वीडियो लेके आए हैं जो इन्फॉर्मेशन से भरी है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंत तक मिलेगी। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें। जय हिंद, जय भारत। हमें ज्वाइन करे हैं वॉशिंगटन डीसी से जनाब पॉलिटिकल एनालिस्ट और पॉलिटिशियन साजिद तार साहब। साजिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। माय प्लेजर, थैंक यू। आपका साजिद साहब, खबरें तो दो तीन है, जिसमें एक तो खबर आप जानते हैं कि इमरान खान के अरेस्ट वारंट जारी हो गए था। उसी के साथ खबर ये है कि महाथीर मोहम्मद साहब जो है उन्होंने ये फरमाया है कि जो ये यूक्रेन और रशिया वॉर है ये वर्ल्ड वॉर 3 की बिगनिंग है, ये वो होने लगी, उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। और तीसरी खबर सर ये है के कुछ ऐसे लोगों की यहाँ पर हलाकतें हो रही हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो साबिक कश्मीरी जिहादी थे, उनको यहाँ पर मारा गया। तो ये अब हर जगह पर पब्लिश हो रहा है और सवाल किया जा रहा है कि भाई ये इनको मारने वाला कौन है, और आप जानते हैं कि इसमें पाकिस्तान और इंडिया का जो है वो इस तरीके से नाम। तो सर पहले स्टार्ट करते हैं साजिद साहब, खान साहब के अरेस्ट वारंट जारी हुए और हमने देखा कि उन्होंने अदालत पहुंचना था तो वो गेट तक टूट गया उसका, जो लोगों का रेला वहां पर पहुंचा है और जो जो कुछ आज सर्कस हुई है सर, जरा पहले थोड़ा सा मैं चाहती हूँ आप उस पर फरमा दीजिए, क्या वो गिरफ्तार हो जाएंगे? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं आ रही है। देखें कि इस वक्त खान साहब जो है, ही इज लार्जर देन पाकिस्तान, ही इज लार्जर देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ही इज लार्जर देन द जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान। जिस तरीके से जलसा लाहौर हाई कोर्ट में किया गया, जिस तरीके से सुबह सुबह दुकानें खोल के हाई कोर्ट के जजेस बैठ जाते थे, सारा सारा दिन इंतजार किया जाता था मिस्टर हैंडसम का। अब मेरा ख्याल है पिंडी इस्लामाबाद, लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बारी है कि वो फूलों के हार जो है वो लेके बैठ जाएंगे जजेस सुबह शाम, और उनको उनका इंतजार किया जाएगा। तो दर हकीकत ये है, जब सिस्टम सिस्टम के अंदर से सपोर्ट है। देखिए आप, मैं आपको आपको याद कराना चाहता हूं कि डॉक्टर जो राशिदा, क्या उनका नाम है, जो उनकी ऑडियो आई थी कि डोगर साहब के बारे में, उन्होंने कहा हमारे आदमी बैठे हैं वहां पे, ऑर्डर का इंतजार बाई हैंड लेकर आ जाएंगे। और जिस तरीके से इस वक्त जुडिशरी बिहेव कर रही है, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से बिहेव कर रही है, मेरे ख्याल में ही इज अनटचेबल, ही इज इनविंसिबल। और मेरे ख्याल में, और मैं जो इसमें फोरकास्ट करूंगा, अगले दिन आपके एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा था कि पिछले दौर के अंदर कुछ कुछ उसकी खासियतें थी पीटीआई की, ना तजर्बाकार, बेवकाना, और इसके साथ अब गुस्सा और बदला भी लगा लें इसके साथ। अब खान साहब आएंगे तो सड़कों में फांसियां दी जाएंगी। हाँ, आपको यह भी पता होना चाहिए कि खान साहब के ओन चौधरी साहब ने और इनके कुछ दोस्तों ने यह भी कहा था कि उन्होंने फांसियों की लिस्ट भी बनाई हुई थी, या शायद आपको याद हो, जब ये किसी के साथ गाड़ी में ट्रेवल कर रहे। तो इस वक्त कौम जो है वो मेरे ख्याल में तैयारी कर चुकी है टू बी फॉर द लास्ट शो। अभी मेरे ख्याल में आखिरी शो होगा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो कौम को यह नहीं पता कि इलेक्शन इज नॉट अ सोल्यूशन, इमरान खान इज नॉट अ सोल्यूशन, इकॉनमी इज द इशू राइट नाउ। और आज अगर आप जहां से मर्जी पैसे ले लें, किसी बंदे को यह नहीं पता कि इसी साल के अंदर $8 बिलियन का कर्जा आपने अभी मजीद वापस करना है, और वो कहा 8 बिलियन कहां से आएंगे। किसी ने आज तक नहीं कहा इंडस्ट्री को किस तरह आगे चलाना है, किसी ने आज तक रोड मैप नहीं दिया कि एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है, किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि हमारा जो एग्रीकल्चर कंट्री था वहां पे एग्रीकल्चर को किस तरह प्रोड्यूस करना है। करप्शन की दास्तानें हैं, लूटमार पड़ी है। इस वक्त अगले दिन आप बड़ा अच्छा आर्टिकल मजीद एक किसी ने लिखा है, मेरा ख्याल सलीम साफी साहब ने लिखा है, सूबा सरहद के बारे में, कि वहां पे किस तरीके से एक ब्राय नाम वजीर आला है और वहां पे मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो अजीज रिश्तेदार हैं, जो गवर्नर हैं, वो किस तरीके से वहां पे हर डिस्ट्रिक्ट में अपना डीपीओ और दूसरा अमला लगवा कर किस तरीके से हर चीज को मैनिपुलेट कर रहे हैं। लेकिन दर हकीकत इससे बड़ी भी बात क्या होगी कि आपका सलूशन इलेक्शन नहीं है, आपका सलूशन इमरान खान नहीं है, आपका आपको जरूरत है अकाउंटेबिलिटी की, अखलाकियात की। और उसका जनाजा अगले दिन आपके डिफेंस मिनिस्टर ने फ्लोर पे निकाला था, उन्होंने बताया था किस तरीके से एक सरकारी हाजिर सर्वस सरकारी अफसर की बच्ची पर $1.2 अरब की सलामियां, ज्वेलरी और गाड़ियां उससे अलग। ये इलेक्शन रोक सकेंगे ये सारी चीजें? खान साहब रोक पाएंगे? बल्कि मैं यहां पे एक और बात बताता हूं, जब भी सियासतदान बेवकूफ और ना तजर्बाकार हो तो जो ब्यूरोक्रेसी होती है उनकी लॉटरी निकल आती है।
फिर उनके रेट जो है वो वाकई करोड़ों में जाते हैं, वो फिर इनको बेवकूफ बनाते हैं मिलके, जिस तरह बनाया गया। और पिछले दौर में आपको मैं याद कराना चाहूंगा कि आपको पता है, ऑन चौधरी साहब बता चुके हैं कि सेक्रेटरीज की अपॉइंटमेंट तस्वीरें देखकर की जाती थी, उनके नाम के स्पेलिंग चेक करके दी जाती थी। तो ठीक है, अगर पाकिस्तानी कौम ये चाहती है तो वो कहते हैं लेट इट बी, यू नो, लेट इट बी, लेट देम हैव इट। ठीक है, तो साहिब साहब ये जो IMF की आपने बात की है वो तो भी कोई नजर नहीं आ रहा, तो वहां पे तो आप जानते हैं कि वहां पे सारी अथॉरिटीज तो इंडियंस हैं और वहां के जो लोग हैं वो सब इसको देख रहे हैं, तो पाकिस्तान यानी हमारा क्या इसमें लायबल क्या होना चाहिए, इसको इसको कैसे हम काउंटर करें या क्या करें? देखिए, आपने सबसे पहले आज तक जो भी आपकी पॉलिसी हुई है आलिया, मैं अफसोस के साथ कहता हूं, उसके पीछे पर्सनल एजेंडा होता है, नेशनल इंटरेस्ट नहीं होता। आपकी हर पॉलिसी डॉलर बेस्ड पॉलिसी है। आपकी पॉलिसी बनाने वाले वो लोग हैं जो कौम को कहते हैं कि जिहाद करो, अपने बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं। कौम को कहते हैं कि जिहाद करो और हर चीज उर्दू में करो, अपने बच्चे ए लेवल ओ लेवल कर रहे हैं। तजाद देखें, नया निसाब जो खान साहब ने तालीमी इदारों के लिए बनाया था उसमें तरक्की की गुंजाइश मौजूद है? ऋषि सोनक आप समझते हैं पागल है जिसने कहा कि इंग्लिश और मैथ पढ़ाया जाए कौम को, लेकिन अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड से निकाल के क्यों नहीं पढ़ाते मदरसों में लाके? कौम के लिए अमर बिल मारूफ का रास्ता है, कौम को कहते हैं कि जेलें भरो और खुद अपनी जमानतें करा रहे हैं। कोई चैलेंज कर सकता है इन चीजों को? कौम किस खूबसूरती के साथ 22 करोड़ लोग बेवकूफ बन चुके हैं, आंखें बंद हैं और कान बंद हैं। लेकिन इसमें उसमें IMF के बाद मैं बताना चाहूंगा, इस वक्त दुख की बात यह है, IMF के इंचार्ज भी जो है यहां पे भारतीय निजाद है, मिस्टर कुमार उनका नाम है। और दुख की बात, दुख तो नहीं, मैं तो इस चीज पे खुश होता हूं कि साउथ एशियन है, एटलीस्ट हमारा नहीं चले, भारत का तो नाम बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब उसमें दूसरा देखिए, जो मास्टर कार्ड के CEO जो अजय बंगा साहब हैं, वो वर्ल्ड बैंक में आ रहे हैं। और मैं इनको बताना चाहता हूं खासकर आगे चल के FATF और IMF, ये सारी चीजें जो देख रहे हैं यहाँ पे लोग, FATF को कौन कंट्रोल करता है? उसको यूनाइटेड नेशंस, IMF और उसके बाद वर्ल्ड बैंक कंट्रोल करता है। और आप देख रहे हैं कि उनका इन्फ्लुएंस कितना है। और हम फ्रेंकली स्पीकिंग, हम रेडार, हम पिक्चर में ही कहीं नजर नहीं आ रहे, पिक्चर में कहीं नहीं आ रहे। बिलावल भुट्टो साहब ने बड़े दौरे अमेरिका के किए हैं, एक एक महीने में दो दो दौरे किए हैं, लेकिन सिर्फ अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपना उनको यकीन दहानियां कराने के लिए कि हाउ वुड आई डू व्हेन इफ आई बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। वो सुनना चाहते थे इनके कानों से कि आइदर आई विल बी एक्सेप्टेबल और नॉट। पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए आज तक किसी ने कुछ नहीं है। मिस्टर हैंडसम ने भी यहां पे फर्म हायर की है अपने आप को प्रमोट प्रोजेक्ट करने के लिए। पाकिस्तान को इस वक्त रिप्रेजेंट करने के लिए 0%, 0 रिप्रेजेंटेशन इन वॉशिंगटन DC। यहां पे सिर्फ IMF के दौरे करते हैं कुछ ब्यूरोक्रेट आके सिर्फ डॉलर मांगने के लिए, और दूसरा पर्सनल शॉपिंग करते हैं, घूमते फिरते हैं, वापस चले जाते हैं। बल्कि मैं अफसोस के साथ कहूंगा कि पिछले दिनों में मैंने 2-4 आपके फेडरल मिनिस्टर देखे यहां पे आए जो इल प्रिपेयर्ड थे, मीटिंग्स में आए हैं, मीटिंग्स के अंदर बोल ही नहीं सके, ना उनको उनकी सब्जेक्ट पर ग्रिप थी, ना उनकी इंग्लिश पर ग्रिप थी, और ना उनको तैयार किया गया था। लेकिन फिर वो यहां आते क्यों है? फिर वो जिस वक्त पाकिस्तान के जो हालात है मुआशी तौर पर, ये क्यों लोग कौम का पैसा खराब करते हैं यहाँ पे इन दौरों पे, इल प्रिपेयर्ड होकर आना और यहाँ पे शॉपिंग करके बच्चों के लिए वापस चले जाना, पता नहीं। और देखें आलिया, अगर इस वक्त मैं पूछूं 22 करोड़ लोगों से कि आपको इस वक्त हु इज लीडिंग यू, हु इज कॉलिंग द शॉट्स ऑफ पाकिस्तान, तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क है, उसके अंदर किसी का नाम नहीं नजर आता, किसी का नाम। क्योंकि देखें ना, प्राइम मिनिस्टर आपके दो हैं, एक तो बैठा है लंदन में, छोटा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में बैठा है, लेकिन उसकी सारी जुरिस्डिक्शन क्या है? 25 मील रेडियस है इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद के अंदर क्या है? कुछ 14 पार्टियां हैं जो हर एक ने अपनी अपनी मिनिस्ट्री पर कब्जा कर रखा है, तो क्या जुरिस्डिक्शन है? सूबे उसके नीचे नहीं है, दोगर साहब उसके नीचे नहीं है, उसके पास क्या है? सर वैसे भी हमारी कौन सी, हमारी फॉरेन पॉलिसी और वो वाली तो सारी कभी होती ही नहीं किसी के, वो जिसके अंडर होती है सबको ही पता है। लेकिन साहब साहब थोड़ा सा हम आगे निकलते हैं सर, ये एक महादेव मोहम्मद साहब जो है उनकी बात बड़ी वो रखती है, वजन रखती है बड़ी, वो तो उन्होंने ये कहा, बाकायदा पूरी सीरीज ऑफ ट्वीट्स किए उन्होंने जिसमें तफसील से लिखा है कि ये जो यूक्रेन और रशिया की जंग है ये आलमी जंग में तब्दील हो सकती है और होने जा रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए मैंने उसको बड़े गौर से, मैंने उनकी ट्वीट्स भी बड़े गौर से पढ़ी हैं, और मैं उसका खासकर कंपैरिजन आज देना चाहता हूं। आज एक नई चीज यहां पे आई है, खासकर कुछ चीजें जो नई इस वक्त यूक्रेन के हवाले से हो रही। इस वक्त वॉशिंगटन DC के अंदर दो चीजें चल रही हैं, चाइना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है अपना यूक्रेन रशिया में उस वॉर में,
चाइना ड्रोन दे रहा है रशिया को, कामकाजी ड्रोन जो कि एज ए वेपन इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद चाइना ने एक पीस डील भी ऑफर की है यूक्रेन को, जिसको वो दे आर लुकिंग एट सीरियसली। दूसरी नई डेवलपमेंट जो हुई है कि सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो यूक्रेन गए हैं, $400 मिलियन का वहां पे उनको तेल का तोहफा देकर आए, उनको गिफ्ट करके आए हैं अपने ट्रिप के। उसके बरक्स क्या हो रहा है? उसके बरक्स ये हो रहा है कि जब चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उस वॉर पे, तो जाहिर है हमारे जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो थोड़े इस चीज को दे आर टेकिंग इट वेरी पर्सनल कि इट वाज आवर वॉर एंड व्हाई चाइना इज गेटिंग इन्वॉल्व। उन्होंने आजकल चाइना के यहां पे एक नई कैंपेन शुरू कर रखी है कि कोविड जो था वो चाइना से शुरू हुआ था, तो वहां हम अब उसको ब्लेम करेंगे एंड चाइना हैज टू पे फॉर दैट। ये आइडिया, बल्कि ये वॉशिंगटन डीसी की नई स्ट्रेटजी है। मैं थोड़ी देर में अभी दूसरी साइड पे भी आता हूं, जो महाथीर साहब का, ये आज रिसेंटली वॉशिंगटन डीसी में ये कंपेन जारी है कि चाइना हैज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। ये मूवमेंट शुरू डोनाल्ड ट्रंप ने की थी और उस वक्त ये लिबरल और प्रोग्रेसिव माइंडसेट इसके खिलाफ था, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप इसको कहते थे दिस इज चाइना वायरस, और ये कहते थे कि इसको कहना रेसिस्ट है। आज ये उसी को रिपीट कर रहे हैं। अब मैं जो महाथीर साहब की चीज से डिसएग्री इसलिए करूंगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर तो तब शुरू हो अगर अमेरिका और वेस्ट इस पोजीशन में हो कि काउंटर कर सके। वो आज काउंटर करने की सलाहियत नहीं रखते। अब मैं उसको आपको मिसाल दूंगा कि कल से एक रिपोर्ट जो है वॉशिंगटन डीसी के अंदर बड़ी इस वक्त हलचल मची है उसकी रिपोर्ट पे, यहां के आर्मी जर्नल्स ने और एक रिपोर्ट स्टडी की है, उसमें ये उस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड आफ्टर ताइवान फॉल, और उस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि अमेरिका इज नॉट प्रिपेयर्ड, इज नॉट वेल प्रिपेयर्ड टू फाइट अ वॉर टू सेव ताइवान। अब वो किस तरह है कि वहां पे अगर उस रिपोर्ट के अंदर आर्मी जर्नल्स हैं, अमेरिकन जो रिटायर्ड आर्मी जर्नल्स हैं, उनकी भी इनपुट दी गई है, दो चीजें चाहिए इनको ताइवान को सेव करने के लिए, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस मिसल, लॉन्ग रेंज मिसल, और दूसरे मिसाइल इनको चाहिए जो एंटी शिप कैरियर, जो वहां पे शिप कैरियर फिरेंगे उनको मिसाइल का निशाना बनाने के लिए। ये दोनों मिसाइल इस वक्त जो है अमेरिका के पास दस्तयाब नहीं है। इनके पास इनकी इन्वेंटोरी के अंदर 250 पड़े हैं मिसाइल, और वो चाहिए तकरीबन 1000 से 1200। अमेरिका की कैपेसिटी है 38 से 88 मिसाइल एक साल के बनाने की। ये कल रिपोर्ट यहां पर आई है और उसमें कहा है कि अगर चाइना ताइवान पर अटैक करता है अमेरिका वॉन्ट बी एबल टू डिफेंड इट। This is a concern. तो थर्ड वर्ल्ड वॉर तब शुरू होगी जब कहते जोड़ बराबर का हो, जब दूसरी साइड पे रेजिस्ट करने की सलाहियत रखता हो। अब मैं इसकी एक और सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा कि जब यूक्रेन के अंदर यूक्रेन टैंक मांग रहा था, तो उस वक्त इन्होंने कहा, अमेरिका ने कमिट किया था और इनके पास टैंक मौजूद नहीं थे इन्वेंटोरी में, इन्होंने उनको जो M1 इब्राहिम दिए हैं दे आर मेड इन 1980। तो दर हकीकत इस वक्त जो यहां सोशलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, यहां पे इस वक्त अमेरिका की जो स्टेट्स के अंदर और फेडरल गवर्नमेंट सोच रही है टू हैव 4-day week, 4 दिन हफ्ते में काम किया जाए, 3 दिन छुट्टी की जाए। तो मिसाइल कौन बनाएगा इनके, टैंक कौन बनाएगा इनके? वो चाइना से बनवाएंगे फिर ये ठेका देंगे। लेकिन ये बात ये है कि महाथीर साहब की बात ठीक है कि इट इज कमिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन जो नया अलायंस बन रहा है रशिया और चाइना का, इट इज वेरी अलार्मिंग एंड इट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अमेरिका। अब मैं साथ एक और सपोर्टिंग आर्गुमेंट दूंगा आपको कि अमेरिकन जो इंटेलिजेंस है उसकी सीरियस फ्लेवर्स है। पहली फ्लेवर इराक में हुई थी उनकी, जब इनको ये रिपोर्टें दी गई थी कि यू विल बी रिसीव्ड एज अ लिबरेटर, लेकिन वहां पर लिबरेटर इनके गले में हार किसी ने नहीं डाले थे। एक पहली फ्लेवर वहां हुई, फिर इनकी दूसरी फ्लेवर अगले दिन अफगानिस्तान के अंदर हुई, वो भी इंटेलिजेंस फ्लेवर। इन्होंने कैलकुलेट किया था कि तालिबान जो है वो इतने महीने में टेक ओवर करेंगे काबुल, लेकिन अगले 7 दिन के अंदर वहां पहुंच गए थे। तीसरी इनकी फ्लेवर हुई है ताइवान के अंदर, अमेरिकन आर्मी जनरल्स ने कहा था कि कीव विल फेल डाउन इन 3 डेज, वो आज भी खड़ा। तो दर हकीकत अब अमेरिका अब सकत नहीं रखता कि ही कैन प्रोटेक्ट देयर ओन फॉरेन पॉलिसी और दे कैन प्रोटेक्ट देयर एलाइज। रशिया सऊदी अरेबिया चाइना के ब्लॉक में जा रहा है, हालांकि सऊदी अरेबिया बस अभी तक दहरान में इनकी अपनी छावनी है हर चीज। अब इनके यूरोप डायरेक्टली टॉकिंग टू रशिया, क्योंकि रशिया उनकी एनर्जी का सोर्स है। आज रशिया अपनी पाइपलाइनें बंद करे, यूरेनियम की सेल बंद करे, जो यूरोप है वो सर्दी से मार देगा ठिठर। तो दर हकीकत
अब एलाइज भी छोड़ते जा रहे हैं, दे आर नॉट रिलाइंग ऑन अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि अमेरिका की अपनी प्रायोरिटीज कुछ और है। वो अब वो अपने बच्चों को मुसलसल बता रहे हैं कि यू डोंट, इट्स ओके टू बी नंबर टू और नंबर थ्री, यू डोंट हैव टू बी नंबर वन ऑल द टाइम। अमेरिका की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट इनोवेशन था। 18वीं सदी की सारी इन्वेंशन देख लें, जहाज से लेकर आप हर चीज की तो यहां से बनती थी, अब वो इनोवेशन का गेम खत्म हो चुकी है। आप बड़े MIT में जाएं, हार्वर्ड में जाएं, तो वहां पे चाइनीज और इंडियन बच्चे बैठे हैं। अमेरिकन को कहा जा रहा है कि आप इन शीट पिए, आप पार्टी करें, यू आर इट्स ओके, यू डोंट हैव टू बी नंबर वन ऑल द टाइम। तो ये इस फिलॉसफी के इस ट्रेंड के नीचे, और अगर स्कूलों में देखा जाए तो इस वक्त सोशलिस्ट माइंड के प्रोफेसर हैं, मुसलसल लिबरलिज्म प्रमोट करते हैं। इस वक्त डायलॉग क्या चल रहा है वेस्ट के अंदर, मैं महातीर साहब की चीज को एक आखिरी सपोर्टिंग आर्गुमेंट दूंगा। इंग्लैंड के अंदर एक कमीशन बना दिया गया है, चर्चों ने मिलकर बनाया है, टू फाइंड आउट क्या अदर गॉड वाज मेल और फीमेल। अब इनकी प्रायोरिटी उन चीजों पे, इनकी प्रायोरिटी इज नॉट टुवर्ड्स द साइंस। ओके ठीक साजी साहब, एक तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, आखिरी टॉपिक हमारा, और बड़ा ही गंभीर किस्म का टॉपिक है ये। तो सर, इसमें मैं देख रही हूँ कि वॉइस ऑफ अमेरिका से लेकर और BBC तक ये वाली खबर पब्लिश हो रही है, और इसके ऊपर लिखा जा रहा है। खबर क्या है, पाकिस्तान में भी इस पे बात हो रही है, वो ये है कि 2 से 3 लोग ऐसे हैं जिसमें कि खालिद रजा और बशीर अहमद और इसके अलावा मिस्त्री जाहिद इब्राहिम, ये कह रहे हैं कि ये वैसे तो नामालूम अफराद या किसी ने मोटरसाइकिल इस तरीके से उनकी जो है वो हलाकतें हुई हैं, और इनके बारे में ये लिखा जा रहा है कि ये साबिक कश्मीरी मुजाहिदीन जो हम कहते थे जिहादी, वो ये है जिनको मारे गए। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि इनको कौन मार रहा है, और ये इसमें कही जा रही है बात कि दरअसल क्योंकि इनके पीछे जो है वो राह थी, तो वो राह का ही हाथ हो सकता है। तो सर मेरा आपसे सवाल ये होगा कि हमारी घर घर में राह मटर गश्त कर रही है, फिर रही है, और तो हमारी नंबर वन एजेंसी कहाँ पर है? नहीं, मेरे ख्याल में तो इनको एक ये भी कहना चाहिए कि हमें राह ने कहा था कि इतने मिलियन डॉलर लंदन ले जाए, हमें राह ने कहा था कि दुबई में प्लाजा बना लिया जाए, हमें राह कहता है कि आपके बच्चे इंग्लैंड और अमेरिका पढ़े। मेरे ख्याल में ये इनको वो भी चाहिए, क्योंकि हर चीज को राह पे लगाते हैं, हर चीज को CIA पे लगा दिया जाता है, मुसाद पे लगा देते हैं, खुद पता नहीं सो रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या है इनको, नशा किस चीज का है। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस है वो ये है कि इनमें जब हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर जो बशीर अहमद पीर साहब मंडी में हुए थे, जिनका जलसा किया गया जनाजे पे, वहां पे सैयद सलाहुद्दीन साहब आके भी बोले, मौलाना सईद भी वहां पे बोले, और जो मुझे जिसपे अभी भी आई एम ट्राइंग टू डू रिसर्च, उनके साथ कोई मिलिट्री गियर में, अब पता नहीं, मैं ये नहीं मालूम हो रहा कि वो आइदर दे वर सर्विंग सोल्जर्स, लेकिन वो इतनी प्रोटेक्शन स्टेट सपोर्टेड उसको क्यों दी जा रही थी, मैं आई एम लुकिंग इन टू इट, क्योंकि वो क्या है, और फिर उसको प्रोपोगेट किया गया है। और दूसरी साइड पे जो आप बातें कर रहे हैं, ये सारे लोगों का मरना पाकिस्तान में, और जिस तरीके से इंडिया के, मैं क्योंकि आपको मैं शायद पहले भी कई दफा कहता हूं कि आई वॉच इंटरनेशनल मीडिया जिसमें भारत का मीडिया भी शामिल है, तो जिस तरीके से वहां पे इस चीज को उठाया जा रहा है, और दे आर इंटरेस्टेड इन गोइंग टू रिक्वेस्ट FATF, पाकिस्तान पे मजीद सैंक्शन के लिए इंटरेस्ट लिया जा रहा है, और दे आर मूविंग टूवर्ड्स, उनकी पोजिशन है इस वक्त करने की, क्योंकि FATF के हेड भी मैंने आपको बताया है कि मिस्टर कुमार इंडियन नजाद है, और दूसरा G20 और शंघाई कोऑपरेट ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी इस वक्त भारत के पास है। अगर एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए सोचें, आप मफलूज हैं आप इस वक्त फाइनेंशियली, हुकूमत मफलूज है, आप तो नहीं, आप तो वरना टिम हॉर्टन को बड़ा एंजॉय करने वाली कौम है सारी, हुकूमत इस वक्त मफलूज है, क्योंकि मैं कहता हूं आप बिल्कुल वहां ना जाएं। मैं समझता हूं कि वहां पे जाना पाकिस्तान की रूलिंग एलीट को प्रमोट करना है, उनको पैटर्नाइज करना है, क्योंकि ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं रूलिंग एलीट के बच्चों के लिए, दूसरी लोग तो बेचारे आटे के थैले के लिए तरस रहे हैं। तो दर हकीकत इस वक्त जो इशू चल रहा है, अगर FATF में दोबारा आप चले जाए, फिर पहले तो IMF आपको चोक कर रहा है बड़े खूबसूरती के साथ, हामिद मीर साहब ने अगले दिन कहा है कि वो जो गुटानमो बे से बंदा निकला है, उन्होंने कहा छोटी जेल से निकलकर बड़ी जेल में आ गया, IMF की जेल में, उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि पाकिस्तान इज IMF प्रिजन, तो उस प्रिजन में तो 22 करोड़ लोग बैठे हैं। IMF के पैकेज, ये IMF का पैकेज तो चाहिए सिर्फ लंदन वालों को, जिनके बच्चे लंदन पढ़ रहे हैं उनको चाहिए, गरीब लोग तो इस वक्त उनके पास तो ना पहुंचा, वो तो बेचारे किश्तियों में मर रहे हैं इटली के पास, और ना उनके किसी अदालत ने सोयो मोटो उस पर लेना है।
इन 22 करोड़ लोगों के बिहाफ पे कौन सा जज सोए मोटो कभी लेगा, मेरी समझ से बाहर। करप्शन रोकने के लिए एक भी इंस्टीट्यूशन इस वक्त काम नहीं कर रहा पाकिस्तान के अंदर। और मिलकर मैं समझता हूं कि 22 करोड़ लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए, जज अपॉइंट किस तरह होते हैं, ये कहां से आए हैं जज, ये आसमान से उतरे हैं। और इस वक्त आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 55,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, तकरीबन 2.5 लाख के करीब केसेस हाई कोर्ट्स में मौजूद हैं, वो सिर्फ इंटरेस्टेड है पॉलिटिकल केसेस में। आप देखें किस तरीके से लाहौर के हाई कोर्ट सुबह से शाम तक जजेस आधी रात तक बैठे रहते थे इमरान खान साहब के इंतजार करते हुए। ये दूसरी कौम 22 करोड़, इनके साथ आप क्यों इस तरह सबका सलूक कर रहे हैं, मेरी समझ। सर आप ये देखें कि उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप जो है वो यही बड़ी बात है कि वो कमरे में चल के कुछ चले गए, उन्होंने कहा कमरे तक ले आए गाड़ी, कमरे के अंदर गाड़ी ना लाए, बस ये तो छोटी बात है जो इस्लामाबाद में खान साहब ने किया। उन्होंने कहा अदालत को ही G11 ले आए। जफर इकबाल साहब की जज जो एडिशनल सेशन जज हैं, उन्होंने कहा है जी उनके वो आप इस तरह करें यहां से अदालत उठाएं तो वहां आ जाए, फलां चौक में आ जाए। तो ही इज लार्जर, वो दर हकीकत ये आपको मानना पड़ेगा कि द मैन इज लार्जर देन पाकिस्तान, मैन इज लार्जर देन योर इंस्टीट्यूशन। और इस क्या बात है कि लोग इस तरह के मेस्मराइज हो चुके हैं, पता नहीं ये एची सोनिया इस वक्त जो जजेस हैं आपके सुप्रीम कोर्ट में, ज्यादा तो एची सोनिया नहीं है, और ज्यादातर ये बाहर के पढ़े लिखे लोग हैं। साजिद साहब ना करें, प्रोग्राम चलने दें आप हमारा, क्या हो 5 के नाम ना ले, इस तरह ना करें। मैं नाम नहीं लूंगा, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसमें बात ये है कि ये क्या है, हमारे किस्मत में क्या वजह आया है, हमारी यहाँ पे कोई सारी दुनिया राइट साइड पे जा रही है, हम लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं। अब तो आप ये तो जरूरी होता था। नहीं, इस वक्त तो आपके पठान भाई जो है वो भी राइट साइड पे जा रहे हैं, उन्होंने भी अपने आर्मी की छावनीज के अंदर जो आर्मी बेसिस है वहां पे उन्होंने ट्रेड सेंटर्स बनाने शुरू कर दिए। लेकिन आप जो है वो मुसलसल अमल बिन मारूफ और कहते हैं ये सियासत नहीं, जहाद है। आप पता नहीं क्या आप फैसिनेट करते हैं। हालांकि जिहाद आपके डीएनए में नहीं है आलिया, आपने आप कभी देख लें पंजाब के लोगों ने या सारे ये लोग हैं इन्होंने कभी किसी रेबेल किया हो किसी फॉरेन इन्वेडर के सामने, तो जिहाद किस तरह करेंगे यार, ये जिहाद कर, इनको जिहाद के स्पेलिंग के नहीं पता, इनको पता नहीं है कि जिहाद मीनिंग ऑफ जिहाद। जो हमने आखिरी खबर पे बात की अब तो वो खबर देख के लग रहा है कि घर घर जहाद यहाँ पे राह कर रही है। नहीं राह बिल्कुल राह नहीं कहा था, आपको मजबूर किया था कि आप अपने बच्चों को लंदन ले जाएं वहां पढ़ाएं और इतने मिलियंस डॉलर लूट लूट के वहां पे ले जाएं, राह नहीं कहा था वो अकॉर्डिंग टू डिफेंस मिनिस्टर के ये फलां जो ब्यूरोक्रेट है उसकी बच्ची की शादी पर 1,20,00,000,000 की सलामियां दे दें, ये भी राह का एजेंडा था जी। और उसने कहा था कि आप डिफॉल्ट हो जाए। साजिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया।